हाँ हेलो, क्या मुझे 2 महीना क्यों कर रहे हो? 1 महीने से बात हो रही है। मैं नहीं जानती उसको। 1 सेकंड रुक तो लो। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ये? बिलीव है। 1 मिनट रुक तो जा, बहस कर रही हो। 1 सेकंड रुक लो। वो ये क्यों बोल रहा है? तुम्हारी डेली बात हो रही है आज। तुम 1 सेकंड रुक लो। और ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं तुम उससे आज, तुम ये बोल रही कि आज के बाद मेरे पर कॉल मत करना, मेरी जितनी बात हुई वो सारी वो कर दो। ये क्यों बोल रहा है? अरे इधर आओ ना। उधर कहाँ जा रही हो कृति? ये देखना तो ये उधर जाए। सुन तो ले, बात सुन ले। जाना तुम, जाना तुम, बताओ ना तुम लड़के ऐसे चीट कर रही, क्या है ये? मुझे नहीं, कुछ तो है ये, कुछ तो हाइड कर रही है, छुपा रही है ना कुछ ना कुछ। तो हे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग कमेंट में जरूर बताना। बाकी गाइस, कल मेरे से एक वर्ड टंग ऑफ स्लिप हो गया था, तो उसकी वजह से मतलब मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है स्टिल। मतलब मैं बहुत ज्यादा मतलब गिल्ट हो रहा है कि यार मैंने क्यों, मतलब मैं बिल्कुल भी मेरे माइंड में भी नहीं आ सकता कि मैं सचिन को तू करके बोलूं। बट पता नहीं क्या, सचिन प्यार करते हैं मुझे बोल, मतलब उस टाइम पे गुस्सा दिखाया, बट वो तो वैसे तो मान गए थे। बट मुझे इतना पता है कि बुरा तो उनको लगा होगा, वो भले ही हाँ प्यार करते तो इसलिए जता नहीं रहे मुझे कि मुझे बुरा लग गया। वो सुबह से शाम भी हो गई है उनको कुछ, मतलब आज पता नहीं क्या हो गया उनको, उन्होंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। बाकी गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वीडियो में बने रही है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैंने ले लिया सचिन के लिए स्टिंग उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको आज थोड़ा सा ना खुश रखूँगी, ज़्यादा ही खुश रखूँगी, थोड़ा सा नहीं बहुत। मेरे एंड से जितना होगा ना मैं उनको उतना, मैं तो यही चाहती हूँ हमेशा वो खुश रहे, और मेरे एंड से जितना होगा ना मैं उनको उतना दूँगी। मैं सोच, वैसे स्टिंग देना तो नहीं चाहिए, सेहत के लिए सही नहीं होती, लेकिन उनको बहुत पसंद है तो उनके लिए अभी मैं स्टिंग लेके जाती हूँ। अलग से बैठे हुए, उनको होश नहीं है आज का बिल्कुल भी। चलो वहीं जाके मिलते हैं स्टिंग, और ये देखते हैं सचिन क्या रिएक्शन होते हैं। देखना स्टिंग के नाम पर उनको देखना, और यहाँ पर रहिए के नाम पे देखते हैं। तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। नहीं दे रही मैं स्टिंग, नहीं दे रही तो फिर ले क्यों रहे हो? लो लो, अरे चिड़ क्यों रहे हो? दूसरे किट्टो हो रहे हो? नहीं नहीं दे रही, अरे ठंडी नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए। देखना किस चीज, तो अभी तो बोले थे नहीं चाहिए करके, तुम्हारे लिए नहीं थी। ओ यार सचिन, सच में तुम्हारे लिए नहीं है वो, किसी और के लिए, किसी और के लिए। अरे यार क्या अच्छे से बोलने लगी, तब से बोल नहीं रही हो तुमसे, तुम ही अलग जाके बैठे हुए हो, क्या हो गया तुम्हें? ओ गाइस, आप लोग देख रहे हो यार मैंने बोला था ना स्टिंग के नाम पे इनका यही है, स्टिंग पूछा भी नहीं खोल के ऑटोमेटिकली पी भी नहीं। मेरे साथ वीडियो नहीं बनानी तुम्हें, तो इधर उधर क्यों देख रहे हो? कोई चोर रहा है, चोरी मतलब जैसे चोरी करके नहीं देखते, इधर उधर कुछ ऐसा बोल दिया जैसे कि हाँ, फिर इधर उधर देख रहे हो क्यों? और मेरे हाथ में स्ट्रिंग है। नहीं कुछ नहीं कर रहा है कुछ, कभी कभी नॉक वॉक भी चलती रहनी चाहिए, बोला तुमने कोई दिक्कत नहीं, बता थोड़ा बहुत बुरा लगता है बट कभी कभी गलती हो जाती है। तुम्हें अभी भी बुरा लग रहा है ना, तभी तुमने वो बात छेड़ दी। अरे तो यार उस बात को मैं माइंड नहीं कर रहा हूं। आई लव यू, सॉरी दोबारा से, दोबारा से तुम्हारे कान पकड़ के और सॉरी। बाकी गाइस, कब कब कपिल और प्रिंस ही उधर बैठे हैं, उनके पास चलते हैं। उनका कॉल तो नहीं आ गया कहीं? नहीं उनका नहीं है। वैसे अलग नहीं होंगे हम गाइस, ऐसे टेंशन मत लो, लड़ाई होती रहती है। लड़ाई तो चलती है, जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई होती है ना। हमें सबसे ज्यादा लड़ाई होता है ना, जिस शख्स को हम कभी नहीं खोना चाहते और वो किसी और के लिए बोले कि मैं करूँ, चाहे मुझे मजाक में बोल रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता ना, इसीलिए मैंने वो कमेंट भी आया कि ये बोल रहा मुझे क्या सचिन तू उसको चिढ़ा ही रहा है, तो और क्या करेगा, बार बार तू उसको चिढ़ा रहा है, बार बार चिढ़ा रहा है, तो उसको गुस्से में आके बोल दिया। बाकी मैं भी सॉरी बोलता हूँ, मैंने बहुत बार, ये आजकल ही बात नहीं हुई थी, ये चिढ़ाने की बात कितने दिन से, 2-3 दिन से कंटिन्यू हो रही है मेरे साथ। पहले तो तुम्हारे घर में भी हो रहा था, फिर यहाँ पे भी, फिर कपिल के साथ भी, फिर प्रिंस जी के साथ भी। हमें कुछ तो देखो, कभी कभी तो हमारी लड़ाई हमें, हमारा प्यार हमें अलग नहीं करने देता, कभी कभी हमारी ऑडियंस हमें अलग नहीं करने देती, उनके लिए थैंक यू बोलो। ये क्या है? प्यार से बोल रही हूँ। और गाइज आगे आगे जल्दी जल्दी प्यार दिखाओ, और इस पे 50,000 सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी से, ताकि 50,000 का केक काटेंगे, 50 के करवाओ जल्दी। और फिर तुमने लास्ट, हमने 20 में काटे थे ना, 20 या 40 में, 20 में 22 के पे काटा था, और अभी हमने काटा नहीं है, केक नहीं काटा, फिर उसके बाद 50,000 में डायरेक्ट काटेंगे। जल्दी से जल्दी शेयर करो, और जल्दी जल्दी जिसने नहीं सब्सक्राइब कर रखा जल्दी करवाओ, और फिर केक काटने पर मस्त 50 के में काटेंगे। और एक चीज और मेन बात, कि हम अपनी जितनी भी YouTube फैमिली हमारी जितनी, मैं चाहता हूँ मैं सबसे मिलूँ, तो
तो जो हमसे मिलना चाहता कमेंट मैं भी करो, चाहती हूं मिलने के लिए। और हम आएंगे, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, हम खुद आएंगे हमारी पूरी टीम के साथ आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं भी आऊंगी। बड़ा ही उत्साहित हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सच में मैं चाहता हूँ कि जो भी कहीं भी या फिर हमारे से अगर हो सकेगा तो सबसे मिलेंगे हम। बोलना मत उत्साहित बोलना, रियली में गाइस कमेंट करना, जो हमें हमसे अगर जो ज्यादा ही वो मिलना चाहता हो तो उससे ज्यादा हम उससे मिलना चाहते हैं। बाकी एक मुझे कुछ कुछ सब्सक्राइबर बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे एक बिजनौर, नहीं बिजनौर का एक विनीत है, विनीत वीडियो डेली देखता है और फोन भी करता है, उसको छोटा भाई है, भाई जैसा लगता है मुझे। और एक एटा का है, उसका नाम समीर है, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ाई वगैरह कर रहा है, बोलता भैया अच्छे से रहो। बाकी तो बहुत सारे मेरे को इंस्टाग्राम से है, नाम ना उन्होंने अलग अलग उसके रखे। और एक का और एक स्नेहा बघेल है, स्नेहा बघेल बहुत अपडेट रहती हैं, वो डेली वीडियो देखते, तो इनके लिए थैंक यू। और जो सब देखते हैं जो हमारे पास मैसेज नहीं कर पाते हैं, सबके लिए थैंक यू। हाँ हमसे प्यार तो बहुत लोग करते हैं, तो सब लोग कौन कौन चाहता है कि हम उनसे मिलने आए, तो सबसे आएंगे हम। पहले कपिल को तो आने देते हैं, तो मतलब मैं तो कमेंट करके बता भी ना बोला ना कपिल के आने का क्या इसमें। बाकी गाइस चलो कपिल को आने देते हैं। तो गाइस कपिल और प्रिंस ही आ गए हैं। कौन कृति, पता नहीं किसी की कॉल आ गई, बहुत देर से बात करी, मुझे नहीं पता। आप अकेले आए? नहीं मैं इंतजार कर रहा था ना। अरे होगी कुछ इम्पोर्टेंट कॉल, होगी उसकी इम्पोर्टेंट कॉल, अपने बॉयफ्रेंड के सामने भी पिक हो जाती है, मैं तो किसी का भी फोन को बोल देती। अरे ऐसा नहीं कुछ होता है, लड़की के बात करना। लो कर लो जनाब, तो लो गाइस जनाब आओ ना यहाँ पे, कौन है क्या हाँ, इन दोनों की लड़ाई दिखाऊं तुम्हें, इन दोनों में लड़ाई होगी, इस स्प्राइट प्रिंस को कपिल को नहीं दे रही। हाँ कौन है, किससे बात करी इतनी देर से? हाँ नहीं 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 दी तुझे, इधर आना इधर, कौन है तो कौन है, इधर आना, कौन है क्या, तुम इधर बात क्यों नहीं करी, कौन है? अरे सब लोग हैं। तो कौन है, कौन कॉल पे जानता है, मुझे नहीं जानता। कौन है, स्पीकर पे करना फोन, कौन है? हाँ हेलो, क्या धोखा, किसको धोखा, तेज बोल भाई तेरी आवाज ना आ रही, पता नहीं कौन है, मेरे को कल से कौन कर रहा है। पहले रुक तो लो, सुन तो लेने दो। हेलो कौन है भाई, तू कैसे जानता कृति को, नंबर देना मेरे को, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहा है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? अरे यार मुझे नहीं पता, एक सेकंड दिखा ना, एक सेकंड दिखा ना, मैं नहीं जानती। हेलो मेरे को दो ना यार, एक सेकंड रुक लो, एक सेकंड रुक लो भाई, कब कब से बात हो रही है तुम्हारी, मुझे दो ना यार, क्यों एक महीने से बात हो रही है, मैं नहीं जानती उसको, एक सेकंड रुक तो लो, एक सेकंड रुक लो, एक महीने से कंटिन्यू बात हो रही है, तुम उसकी बात पे बिलीव कर रहे हो क्या? और ये इसका नंबर कैसे मिला था भाई तुमको, तुम ये क्या, ये सब कौन सा काम किया साथ में है? हेलो, अरे नहीं यार ऐसे नहीं, मैं खुद नहीं जानती यार, कौन है, बात तो करने दो मुझे। हेलो ये तुमसे डेली बात करती है? हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ये? यार ऐसा नहीं है सचिन, मुझे बात करने दो, क्यों बोल रहा है, क्यों वो कर रहे हो मेरे को, उससे बात करने दो, एक सेकंड रुकना भाई, अभी कर रहा हूँ मैं तुम पे, अभी कर रहा हूँ, कॉल क्यों काट रहे हो मेरे को, बात सेकंड रुकना, हटो मुझे बात करनी है, ये बोल रहा है तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, ट्रस्ट मी, ये तो ये बोल रहा है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, वो पता नहीं क्यों बोला, वो ये बोल रहा है कि 15 दिन से बात कर रही है ये, 15 दिन से, एक एक महीने से, मैं नहीं जानती उसको, पता नहीं कौन है, मैं खुद नहीं जानती, मैं तुम्हारे को, तुम खुद नहीं जानती, वो बोला साथ में काम करते हैं, मेरे से रोज बात करती है, आज ये बोली है, आज इसने ये बोला है कि अब क्या बोलते हैं, कॉल मत करना, मुझे फोन तो दिखा दे तुम, अच्छा सुनो, तो कॉल हिस्ट्री में, एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे कुछ चीजें जाननी है, रुक लो पहले, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, बिलीव है, एक मिनट रुक तो जाओ, बहस कर रही हो, एक सेकंड रुक लो, एक सेकंड रुक लो, अभी बिलीव और सारी चीज क्लियर हो जाएगी, एक सेकंड रुकना, जब तुम्हें यहाँ पे भी तो बोल सकती थी, तो फिर एक सेकंड, एक से कल से कॉल आ रहा है, वो ये क्यों बोल रहा है, तुम्हारी डेली बात हो रही है, आज तुम, एक सेकंड रुक लो, और
ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं तुम उससे, आज तुम ये बोल रही कि आज के बाद मेरे पर कॉल मत करना, मेरी जितनी बात हुई वो सारी वो कर दो, ये क्यों बोल रहा हो? कुछ भी वो बोल क्यों रहा है फिर? वो ऐसे बोलेगा तुम्हारा नंबर कैसे गया? सचिन मुझे लिटरली नहीं पता, ये बहुत झूठ बोलती है ये। पहले मुझे इससे जानना, फोन तो चेक हो जाएगा। तुम कहीं इसी कहीं इसी वजह से तो तुमने मुझे तू करके कल नहीं बोला, कुछ दिनों से ऐसी चीट कर रही हो। कल देखा था ना क्या बोला था इसने, कृति यार जो चीजें बता दो क्यों, मेरे बहुत प्यार कर दो यार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा तुम्हारे लिए। तू झूठ, तुम घर पे भी यही कर रही थी रोज डेली, तुम लड़ाई, तुम आजकल बहुत लड़ाई कर रही हो। और आज तो अलग जाके क्यों बोली तुम मुझे? अभी तो नहीं है। अरे उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें जानता, फिर मैंने कहा कौन होगा, अलग से बात करिए। नहीं मैं बात तो कर लूंगा, पहले मुझे तुम सच्ची बता दो, अगर मुझे लड़के से सच्चाई मिली तो याद रखना तुम। सचिन ट्रस्ट में तुम्हें पता है कि मेरे साथ रहे, घर आई कभी कभी कॉल आया। तुम कल तुमने क्या बोला? तू कल तू करके बोला था ना कि तेरे को पानी बात मत निकालो, पुरानी बात से लड़ाई मत करो, मैं खुद नहीं जानती मम्मी कसम। तुमने कल से मुझे पता, और कल से इस पे कॉल आ रहा है, ये बोलिए कल से कॉल आ रहा है, और वो बोल रहा है एक महीने से कॉल आ रही है। दूर रहो, पहले दूर रहो मेरे से, दूर रहो। सचिन मैं कसम से नहीं जानती, मुझे खुद नहीं पता यार ये कौन है, ये मुझे क्यों प्रिंस प्रिंस ही पे क्यों नहीं आती आज तक ये बताना, तो प्रिंस ही तो प्रिंस तुम पे कभी आती है? इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो मुझसे इसी तरीके से बात करूंगी, तुम बता दो तुम क्या छिपा रही हो, तुम कल से क्यों कर रही हो? और जब तुम्हें ये पता है कि तुम मुझे भी तो बता सकती हो कल से। सचिन तुम मेरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, मुझे खुद में कुछ सच में नहीं पता कि ये कौन है, मैं खुद हैरान हूं ये मुझे कैसे कॉल कर सकता है, मुझे ऐसे ऐसे ब्लैकमेल करके मत इमोशंस में इमोशनल मत करो मुझे। सचिन मैं सच में बकवास मत करो, अभी मैं पूरी हिस्ट्री निकाल दूं। उससे मैं क्या बात करूँ, ये बताना जब वो साफ साफ बोल रहा है लड़का तो ये बोल दे डायरेक्ट, वो ये पता क्यों बोलेगा? कॉल हिस्ट्री चेक कर लेना तो प्रिंस, एक बात कॉल हिस्ट्री तो हम चेक कर लेंगे उसमें निकल जाएगा, पर ये वो लड़का झूठ क्यों बोलेगा? तो क्या क्या पता ऐड नहीं किया हो? मम्मी कसम खा के बोल रही हूं मैं नहीं जानती तेरी गलती क्यों नहीं लगाई अपने फोन में, ऐसे अननोन नंबर्स तुम्हारे पास कैसे आ जा रहे? तुम मैं लड़की हो यार, पीवीसी लगा लो। हाँ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये बताओ? मेरे को लगा कि उसने ऐसे बोला नहीं। कॉल लगाना दोबारा कॉल लगाओ। अब देखो लो, अब देखो मैं नहीं लगा रही, क्या सीन क्या है? लगा रही। हाँ कॉल लगाओ। अरे इधर आओ ना, उधर कहाँ जा रही हो कृति? ये देखना तो ये उधर जाए। सुन तो ले, बस नहीं दे प्रिंस जाना तुम लोग। ये कहीं दुकान तो नहीं दे रही है मुझे? एक बार देख तो ले, बोल सकता है कैसे बताऊं मैं यार। अरे यार खामखम मैं प्यार करता हूँ इससे बहुत ज्यादा। तुम स्पीकर पर डालो, तुम्हें मेरे पे यकीन? स्पीकर पर डालो। कहाँ जा रही तुम प्रीति? ये देखो ऐसे करती है, अब बताओ। अब इससे मैं प्यार करता हूँ, गलती है मेरी ये। मुझे इसका पासवर्ड भी तो नहीं पता है, क्या है इसका पासवर्ड? इसका फोन के लॉक के पासवर्ड नहीं पता मुझे। क्यों? मुझे नहीं पता, इसने बदल दिया था कुछ दिन पहले। हैं? अब क्या करूँ? पासवर्ड तो खुला, तभी तो ट्रू कॉलर की तो पता चलेगा। अपना फोन का लॉक खोलना लाओ, मैं वो देख रहा हूँ, हिस्ट्री देख रहा हूँ, कॉल मत करो। यकीन है ना मुझे, कोई बात नहीं करनी अब रहने। तुम जल्दी करो पहले तो। तुम्हें यकीन नहीं है मेरे पास क्या? मुझे इसका पासवर्ड पता था पर इसने कुछ दिन पहले चेंज किया। पासवर्ड क्यों चेंज किया था बताना तुमने? किस चीज पे यकीन कर लूं? पासवर्ड चाहे फोन नहीं दे खोल रही, और अभी कॉल किया अकेले में जाके बात कर रही। चार लोगों में बेइज्जती कर दो, जाके ले रहे। ये यार क्या चाहती है मेरे से? कल इसने ये बोला, आज इसका ये सीन कर दिया इसने, और इसका फोन कर लो। तुम बोल के तो देख क्या लगाती है ना, क्या मुझे पता? कुछ पता नहीं है यार क्या लगाती है, पता नहीं। पहले तो कुछ पहले वाला पासवर्ड डाल के 36
साठ छब्बीस था, नहीं है ये 36 60 26 यही था। कैसे खुल जाएगा? पासवर्ड वही है तो खोलेगा। अब तुम बताओ ना, तुम लड़के ऐसे चीट कर रही, क्या है ये? मुझे नहीं, कुछ तो है ये, कुछ तो हाइड कर रही है, छुपा रही है ना कुछ ना कुछ। नहीं देखिए, हम प्राइवेसी इसीलिए लगाते हैं ताकि कुछ चीजें हम हाइड कर सके। अब बाकी प्रीति ये कुछ छुपा रही है मेरे से, मुझे समझ नहीं, मुझे से बात करनी। तुम जाना तो बात करना उससे। रो रही है वो, शायद देख तो ले एक बार। तो रो रही है, बता मैं क्या करूँ? हर बार मना लूँ गलती पे, मनाना या तो फिर चीजें क्लियर कट कर देना मुझे कि ये चीजें सामने से बता दे। कल फोन आया तो मुझे बता नहीं सकती थी। क्या हुआ प्रिंसी, कुछ बताया? बता कृति, रो रही है? क्यों रो रही हो? तुम मेरे पे थोड़े से भी यकीन नहीं है तो रो क्यों रही हो फिर? किस लिए रो रही हो? तो तुम्हें पासवर्ड तो तुम पासवर्ड क्यों नहीं दे रही हो फिर? तुम्हें पासवर्ड नहीं पता क्या? कब से कॉल कर रहे हो? तुम्हें पासवर्ड बताया था मैंने, कितना झूठ बोल रहे हो तुम। ठीक है, चेंज क्यों कर लिया? ठीक है चलो कोई बात नहीं, रहने दो, कर लिया करो। कल वाला ही रखा, ठीक है कर लिया करो बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो मेरा ही दोस्त था, कल तुमने बोला था, कल ही कॉल आई थी ना। मैंने ही बोला था कल कॉल करना, कल इसके साथ कुछ ड्रामा करूंगा मैं। तो तू ऐसे करेगा तो, दे रहने दे यार सर। सच में तुमने? अरे मैं नहीं करवा था, सॉरी, बस तुमने कल तू तड़ाक बोल दिया था ना इसीलिए। हाँ मैं नहीं करवाया था कल से कॉल। तुम फोन गिर जाता, अरे लग गई, ठीक है नहीं खोरी, ब्लेम कर रहे हो, बैग गिर गया वो कल तुमने तू तड़ाक बोल दिया था ना इसीलिए मैंने कर दिया। ऐसे कौन करता है? बाकी गाइस कैसा लगा बताना, एकदम से किसी को नहीं पता, कपिल वगैरह को भी नहीं पता। ठीक है चलो सॉरी, अच्छा उसके लिए। कल जब इसने तू तड़ाक बोल दिया था ना मेरे से, तू तड़ाक, तब उसके बाद मेरे में आया था कि एक लड़के को बोलता हूँ, दोस्त है मेरा, कि उससे ये नंबर है, उसका नाम ये है, सारी चीजें दी। ये बता तभी तू कॉल हिस्ट्री और मुझे नंबर चेक नहीं करा और था, क्योंकि तभी मैंने किसी को नहीं बताया कि आज करूंगा इसके पास। कैसा लगा गाइस कमेंट करना, मेरे लिए तो गंदे कमेंट मत करना, बस ये फन था एक कि मतलब तुम मुझे अपना पासवर्ड नहीं दे रही थी है ना, सेम टाइम पे अपना बदला ले ले तो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी। यकीन, बहुत यकीन है, छोड़ दो, फोन बंद करो। तुमको कैसा लगा कपिल? बाकी क्या करा, क्या तो ऐसे रहा, कोई मिठाई खिला दी और कैसी लगी हमें? कैसा लगा प्रिंस तुम्हें? बाकी चलो सॉरी सबके लिए, अरे मत डरो। बाकी गाइस कमेंट करके बताना मैंने कैसा वो किया, रिवेंज ले लिया ना कल इसने तू तड़ाक बोला था। ऐसा रिवेंज ले लेते, पिछली बार तुमने मुझे कुछ खिला दिया था और आज तुमने मुझे तो मत क्या करो फिर, ऐसे तू तड़ाक मत बोला करो। बस मस्त आइडिया था मेरा, मुझे लगता है मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ और लड़के को थैंक यू बोलूंगा क्योंकि उसने बहुत अच्छे से एक्टिंग करी। अभी चलो यहाँ पर मैं अब मना लेता हूँ और ब्लॉग की एंडिंग करता हूँ, और क्या बोलते हैं, ब्लॉग देखना मजा आएगा, पूरा ब्लॉग देखना। बाकी चलो गाइज मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, अब हंसते हुए मिलेंगे। बाय बाय गाइज, बाय बाय।